नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है और अब जाकर के उनके पेपर भी शुरू होने वाले हैं। 15 तारीख से आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा टीआरई 3.0 की 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि इस दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के मन में उठ रहे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन को भी लेकर के कैसे पेपर दे, और पेपर के दौरान अगर कोई गड़बड़ी है, कोई एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें आपके जहन में वो सवाल के रूप में होगा। तो चलिए उन्हीं सवालों का जवाब आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए देते हैं। बिहार में लोक सेवा आयोग की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई सारे नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी नियुक्ति के लिए शिक्षक आ रहे हैं उन सभी के पास तमाम तरह की जानकारी पहुंचाई जा रही है। उसी बीच में एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन था जो 15 मार्च से टीआरई 3.0 के पेपर शुरू होने वाले हैं उसको लेकर के क्या कुछ रहा उस नोटिफिकेशन के अंदर और कौन कौन सी डिटेल आपके काम की है, वो तमाम चीजें हम लेकर के आए हैं। तो चलिए आपको एक एक पॉइंट करके सभी चीजें समझाते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च से शुरू होगी। इस दौरान 15 मार्च में पहली पाली की परीक्षा होगी जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आयोजित होगी। इसमें शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के सभी विषयों की परीक्षा होगी। उसके आगे बढ़े तो दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें शिक्षा विभाग के कक्षा 1 से 5 तक के लिए सभी विषयों की परीक्षा होगी। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग से 1 से 5 के लिए सामान्य विषय की परीक्षा भी होगी। अब अगर आपका एडमिट कार्ड आपके पास पहुंचा है और उस एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल निकल कर के आ रहे थे नियुक्ति से पहले, परीक्षा से भी पहले, कि उनके एडमिट कार्ड में कहीं उनके फोटो को लेकर के गड़बड़ी थी, तो कहीं उनके नाम में कोई प्रॉब्लम थी। अगर आपके भी एडमिट कार्ड में ऐसी ही कोई दिक्कत है तो आप लोग सीधे सीधे कुछ मत कीजिए, बस एक वेबसाइट आपको खोलनी है जिस पर आपको लिखना है www.bpsc.nic.in पर जाइए और वहां पर जाकर के आप आवेदन कीजिए। और उसके बाद घोषणा पत्र जैसे ही आप वहां पर सबमिट करेंगे उसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, उसके बाद वो चीजें आपकी रेक्टिफाई होकर के आ जाएगी। 15 तारीख आने में अभी भी वक्त है, आप लोग अपने एडमिट कार्ड में सुधार करवा सकते हैं। चलिए, क्या क्या आवश्यक सूचना रही इस नोटिफिकेशन के जरिए वो हम आपको बता देते हैं। देखिये, 7 तारीख से ही प्रवेश पत्र यानी कि ई एडमिट कार्ड को लेकर के जानकारी दे दी गई थी। वहां पर आप जाकर के वेबसाइट पर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके आगे बढ़े तो देखिए, 12 तारीख से ही तमाम तरह से जिस तरीके से परीक्षा होगी, परीक्षा से जुड़े तमाम नियम को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया था 12 तारीख से ही, यानी कि कल से ही आप लोग उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना जरूर सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि परीक्षा अवधि में जितना भी समय वहां पर लगेगा उस समय आपका समक्ष हस्ताक्षर उसमें जरूरी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को जो भी परीक्षा होगा उससे 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र में अनुमति लेने के लिए जाना होगा। वहां पर आप जो है पेपर खत्म होने के बाद यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सील बंद करने के बाद, उन्हें सबमिट करने के बाद ही आप बाहर आ सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। हम आपको एडमिट कार्ड और तमाम तरह के बिहार लोक सेवा आयोग में इस नियुक्ति से जुड़े सभी जानकारियां जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।